नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, भारत के अर्थतंत्र को लेकर के। बल्कि अर्थतंत्र से ज़्यादा कहना कि भारत को अपनी सुरक्षा पर कॉन्फिडेंस है, इससे रिलेटेड न्यूज है। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि भारत का करीब 400 से लेकर 500 टन सोना बाहर विदेशों की बैंकों में जमा हुआ है, और सिर्फ इसलिए जमा किया है भारत ने ताकि वो सुरक्षित रहे। और सोचिए, उसको हम दूसरी बैंकों में हमने रखा हुआ है ताकि वो सुरक्षित रहे, और उसके लिए हम पेमेंट करते हैं। दोस्तों, क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस सोना को अपने देश में रखें, अपने बैंकों के अंदर रखें, और उसको हम सुरक्षा प्रोवाइड करें? हम क्यों किसी और देश में सोना रखते हैं और उसके लिए कुछ चार्जेस हम पे करते हैं, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। अभी दोस्तों क्या हुआ, रसिया ने भी अपना गोल्ड सुरक्षित किसी दूसरे बैंकों के में रखा था, लेकिन जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, उसको बदले में क्या मिला? बदले में उसको ये मिला कि उसका जो भी गोल्ड वगैरह था वो सारा जब्त कर लिया गया। अब वो रसिया का गोल्ड रह ही नहीं गया। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ कभी ऐसा हो कि भारत पीओके पे सोचिए हमला कर दे, पीओके हम वापस अपना ले लें, तो ये जो बाहर के देश हैं इनके पास हमारा गोल्ड है, तो कभी भी ये रोक लगा सकते हैं। तो अगर हम रोक लगा देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। हम सुरक्षित रखने के लिए पैसे दे रहे हैं, पता लगा उस हमारे पास चीज़ ही नहीं रह गई। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 100 टन सोना भारत इंडिया लेकर आ रहा है विदेश से, ब्रिटेन से, यूके से। अब दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखाता है भारत को अब अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस है कि अब हमें किसी और की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप सुरक्षित रख सकते हैं अपने गोल्ड को। ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये जो गोल्ड रखा हुआ है, ये समझ लीजिए कि इंग्लैंड की एक बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, मोस्टली गोल्ड वहीं पर जमा हुआ है, वहीं पर रखा गया है। वो हालांकि बहुत ही सेफ है, वहाँ पे कई बार चोरी करने की कोशिश तो करी गई है, क्योंकि वहाँ बहुत से देशों का गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन उसमें किसी को सफलता मिली नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्या हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित नहीं रख सकते? एक तरफ तो हम कहते हैं हमने अपनी बॉर्डर को सुरक्षित कर लिया है, दूसरे देश में कोई भी हमारे बॉर्डर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हम अपना सोना नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड हमें रखना होगा, अपना खुद इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं। अभी सोचिए दोस्तों, हमने सिर्फ 100 टन सोने की बात करी है, अभी तो 350 टन के आसपास सोना अभी और भी है जो अभी बाहर है, अभी वो हमें लाना है। अब दोस्तों, वो कब तक आता है ये तो देखने की बात है, लेकिन भारत को ये उम्मीद करनी चाहिए, भारतवासियों को, कि वो बहुत ही जल्द भारत आ जाए, क्योंकि जब वो भारत आएगा तभी हम कुछ खर्चे अपने बचा पाएंगे जो हम अभी दूसरी बैंकों को पे करते हैं, और उससे हम ये भी दिखा पाएंगे, अपनी एक पावर भी दिखा पाएंगे दूसरे देशों को कि वी आर कैपेबल टू सिक्योर आवर गोल्ड इन आवर कंट्री। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है, ताकि दूसरों को भी दिखे कि हाँ, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है, वो अपनी चीज़ों की सुरक्षा दे सकता है, चाहे वो बॉर्डर हो या गोल्ड हो या उसकी सिटीजन हो। दोस्तों, हमने कई बार साबित किया है कि हम अपने सिटीजन को जो किसी भी देश में फंसे होते हैं उनको छुड़ा कर लाते हैं। एग्जांपल के लिए, यूक्रेन में हमारे कुछ छात्र फंस गए थे, उनको हम लेके आए। कतर ने हमारे 8 नेवी के जवानों को सज़ा दे दी थी फांसी की, हम उनको बचा लाए। तो दोस्तों, ये भारत की सॉफ्ट पावर दिखाता है। सॉफ्ट पावर में तो हम अच्छे हैं, मिलिट्री में भी हम अच्छे हैं, हम दिखाते हैं कि देखो चाइना हमारे बॉर्डर पे नहीं आ पा रहा है, उधर पाकिस्तान को भी हम रोकते हैं। जब ये दो चीज़ हम कर पा रहे हैं, तो क्या हम अपने गोल्ड को नहीं बचा पाएंगे? बिल्कुल, गोल्ड भी बच जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब इस पर अपडेटेड और क्या चीज़ें आती, जैसे अपडेटेड हो जाता है, सो दैट आई एम टेकिंग एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू।
थैंक यू सो मच।